आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं कि ईमेल किस तरह यूज कर पाएंगे, ईमेल यूज करना सीखेंगे आप, ईमेल बनाना, ईमेल डिलीट करना सारा चीज, ईमेल कैसे भेजते हैं वो आपको बताएंगे। अगर आपके ईमेल में किसी तरह का मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है या रिकवरी ईमेल एड्रेस रिकवरी मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है जिससे आप कभी पासवर्ड ईमेल का भूल जाए, तो आप उस मोबाइल नंबर ईमेल की मदद से आप पासवर्ड फिर से नया बना सकते हो। ईमेल के द्वारा नया किसी को डॉक्यूमेंट भेजना, फोटो, वीडियो, सारा चीज़ भेजना आपको सिखाएंगे। भेजा हुआ ईमेल किस तरह डिलीट करते हैं वो आपको बताएंगे। ईमेल को डिलीट करना मतलब आपके ईमेल में बहुत सारे मेल आ जाते हैं, फालतू के मेल, जिस तरह सोशल मीडिया के वगैरह वगैरह बहुत सारे मेल, उस तरह मेल को आप डिलीट भी कर सकते हो, या किसी को आप गलती से मेल भेज दी तो उसको आप डिलीट कर सकते हो। कैसे? तो ऐसे ही। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस घंटी के आइकन को दबाएं, ऑल सेलेक्ट करें हमारी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दिया, उस लिंक पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे चले आएंगे। यहाँ पे देख पा रहे हैं, सबसे पहले अगर आपका एक ईमेल एड्रेस नहीं बना, आपका ईमेल में अकाउंट नहीं बना है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कैरियर अकाउंट, कैरियर अकाउंट पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लियर अकाउंट क्लिक करेंगे, यहाँ दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, एक फॉर माई सेल्फ, फॉर मैनेज माई बिजनेस। अगर आपको किसी तरह का बिजनेस है, बिजनेस के लिए आप अकाउंट बनाना चाहते हैं वो देंगे, अगर खुद के लिए या नॉर्मली जो होता है उसके लिए बनाना चाहते हैं तो फॉर माई सेल्फ पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको एक फॉर्म मिल जाएगा, इसमें सबसे पहले आपको अपना नाम देना है, फर्स्ट नेम, उसके बाद लास्ट नेम, उसके बाद यहाँ पे आपको एक ईमेल एड्रेस रखना है, जो भी ईमेल एड्रेस आपको रखना होगा वो आप यहाँ पे रख लीजिए। ठीक है, मान लीजिए मैं रखना चाहता हूँ जीशान, एमडी जीशान, तो एमडी जीशान लिख देंगे, जो भी लिख रखना चाहते वो लिख के, और यहाँ पे देख सकते हैं @gmail.com लिखा हुआ, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जो यूजर नेम रखना चाहते वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड देना है, जो पासवर्ड से आप लॉगिन करना चाहते वो पासवर्ड, उसके बाद उसी पासवर्ड इसमें कन्फर्म करना होगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पे पासवर्ड दिया, तो यहाँ देखिए बुंदा बुंदा आ रहा है, ये पासवर्ड हम देखना चाहते हैं हमने क्या इसमें डाला है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आई बटन है, इस पर आप क्लिक करके आप देख सकते हैं आपके द्वारा पासवर्ड क्या डाला गया है। दोनों में आपको सेम पासवर्ड डालना होगा। तीसरा चीज़ डालने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना होगा। जब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, अगर आपका ये यूजर नेम नहीं लौट लगा, यहाँ पे लाल कलर में आपको कुछ लिखा रहेगा, तो इसका मतलब हो गया आप जो यूजर नेम दे रहे हैं ये यूजर नेम से दूसरा किसी के अकाउंट बना हुआ है। एक यूजर नेम से एक ही आदमी का अकाउंट बना सकते हैं, इसलिए यहाँ पे कुछ आप चेंज कर दीजिए, कुछ लगा दीजिए, उसके बाद आप नेक्स्ट करके अपना अकाउंट, अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह दे के आप यहाँ से अकाउंट बना सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, जब आपका अकाउंट बन जाए या आपका अकाउंट पहले से बना हुआ है, तो यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस या अपना फ़ोन नंबर इंटर करेंगे। चलिए मैं एंटर कर लेता हूँ। जब आप ईमेल एड्रेस इंटर करके सबमिट नेक्स्ट करेंगे, तो यहाँ पे आपसे पासवर्ड मंगाए, जो भी पासवर्ड आपका है ईमेल का वो देना है। अगर पासवर्ड नहीं मालूम है तो यहाँ फॉरगॉट पासवर्ड करके आप अपना नया एक पासवर्ड बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे पासवर्ड इंटर कर देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं हमारा ईमेल जो है लॉगिन हो चुका है, ये हमारा लॉगिन हो चुका है। हमारा ईमेल का डैशबोर्ड कुछ इस तरह का होगा। तो चलिए सबसे पहले हमको एक ईमेल किसी को भेजना सिखाते हैं। किसी को ईमेल भेजने के लिए यहाँ पे आपको देख पा रहे एक प्लस आइकन है जिसपे लिखा हुआ कंपोज, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह आपको यहाँ पे ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे आपको टू मांग रहा है, मतलब टू मतलब जिसको आप भेजना चाहते हैं उसका ईमेल एड्रेस, जिसको भी आप भेजना चाहते हैं उसका ईमेल एड्रेस क्या है वो आप यहाँ पे इंटर कर दीजिए। ठीक है, जिसको आप भेजना चाहते हो उसके ईमेल एड्रेस इंटर कर देंगे। जो आप भेज रहे हैं ईमेल क्या भेज रहे हैं उसका सब्जेक्ट क्या है वो आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक मैसेज लिख दीजिए, जो भी आप मैसेज लिखना चाहते हैं। ठीक है, जो भी इसके साथ मैसेज लिखना चाहते हैं आप मैसेज यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ मैसेज लिखने के बहुत सारे दिए गए हैं, जैसे मैं इस कॉपी कर लें, इसको मैं मोटे अक्षर में करूँगा तो यहाँ पे बी कर दूंगा, जिस यहाँ पे इसको टेढ़ा भी करना चाहते कॉपी करके इस पर क्लिक कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे। तो यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे एक मिल रहा है, यहाँ पे नीचे में देख लीजिए ये
अटैच फाइल पे क्लिक करना होगा। अगर कोई फोटो या कोई डॉक्यूमेंट पीडीएफ वगैरह आप भेजना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो अटैच फाइल पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद जो भी आपको भेजना है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। एक साथ आप जो भी जितना भी चाहें तो आप सेलेक्ट कर सकते, कंट्रोल दबा के एक साथ जितना भी चाहेंगे तो आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। इसमें आप फोटो वीडियो या पीडीएफ फाइल जो भी है आप वहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे इस तरह। उसके बाद आपको ओपन कर देना होगा। जैसे ओपन करेंगे यहाँ पे देख लीजिए अपलोड हो रहा है, पहले इसको अपलोड होने दे देंगे। यहाँ पे देख पा रहे अपलोड हो रहा है, तो ये हमारा ये देखिए ये पीडीएफ है, ये जेपीजी है, ये इसी तरह जो भी आप करना चाहिए वो कर सकते। उसके बाद यहाँ पे सेंड पे क्लिक कर देना, तो चलिए सेंड पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा मैसेज सेंड हो चुका है। यदि कि सेंड हो गया, कैसे चेक कर पाएंगे हमारा मैसेज चेक हो गया या ना हो, सेंड हुआ या ना हुआ, तो यहाँ पे वो बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। यहाँ देखिए एक आपको मिला है सेंड, सेंड पे क्लिक करेंगे तो आपके द्वारा जितने भी मैसेज जितने मेल दूसरे को भेजेंगे वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। देखिए मैंने अभी आपके सामने ये मेल भेजा, ये मेल यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। जो मैंने डॉक्यूमेंट डाला था वो सारा डॉक्यूमेंट यहाँ पे शो कर रहा है। तो चलिए अब आपको बताते हैं किस तरह अपना रिकवरी मोबाइल नंबर जोड़ पाएंगे, हटा पाएंगे और अपने जीमेल को टू स्टेप वेरिफिकेशन कर पाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक आपको आइकन मिल रहा है, जो सेटिंग आइकन मिल रहा है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सेटिंग आइकन पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप सेटिंग आइकन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा 3 नंबर में 3 नंबर में सेटिंग, तो सेटिंग पे आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे आप सेटिंग में क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे मेनू में। उसके बाद आपको सामने इस तरह का एक डैशबोर्ड दिखेगा जो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे आपको आ जाना है, यहाँ पे देख लीजिए एक ऑप्शन आपको मिला है यहाँ पे सेंड, ये वाला अंडो सेंड, ये वाला देख लीजिए सेंड कैल्शियम पीरियड। अगर आप किसी को मैसेज करते हो तो कितना सेकंड में आप उस मैसेज को डिलीट कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। यहाँ पे 5 सेकंड 10 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड जो भी सिलेक्ट करना आप सिलेक्ट यहाँ पे कर लीजिए। मतलब आप किसी को मैसेज गलती से भेज दिए या जान से भेजिए तो उसको आप डिलीट करना चाहे तो आप यहाँ पे देखिए मैंने 30 सेकंड सेलेक्ट किया हो तो मैं 30 सेकंड के अंदर उस मैसेज को डिलीट कर दूंगा। अगर 31 सेकंड हो जाएगा तो मैं उस मैसेज को डिलीट नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ आपको सेटिंग में एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे देख लीजिए अकाउंट एंड इनपुट, अकाउंट एंड इनपुट पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप अकाउंट एंड इनपुट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको सामने मिल जाएगा, सबसे पहले मिलता है एक चेंज अकाउंट सेटिंग। तो यहाँ पे आप चेंज पासवर्ड कर सकते हैं। यहाँ पे चेंज पासवर्ड रिकवरी ऑप्शन पे आपको क्लिक करना, मतलब जब भी आप अपना पासवर्ड भूल जाएंगे तो उसकी मदद से जो भी मोबाइल नंबर जो भी ईमेल एड्रेस देंगे उसकी मदद से आप नया एक ईमेल एड्रेस बना सकते हो। तो उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ पे आपको एक पासवर्ड का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे देखिए टू स्टेप वेरिफिकेशन, अगर इसको आप ऑन कर लेंगे तो आपके मोबाइल में जो ईमेल एड्रेस लॉगिन है ये भी यहाँ भी आपको कोई भी लॉगिन करेगा, मान लीजिए कोई भी आपका ईमेल एड्रेस चुरा ले उसके बाद लॉगिन करेगा तो वो पासवर्ड भी आपका जान लेगा फिर भी वो लॉगिन नहीं कर पाएगा अगर आप टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर लेंगे। तो कोई भी अगर लॉगिन करेगा आपके अकाउंट को तो आपके पास एक नोटिफिकेशन जाएगा आपके मोबाइल पे, जब तक आप उस नोटिफिकेशन को यस या नो नहीं करेंगे तब आपका कोई भी आपका ईमेल एड्रेस को लॉगिन नहीं कर पाएगा। यह अच्छा सिस्टम है अपनी ईमेल एड्रेस को सेफ्टी रखने के लिए, इसको ऑन कर लीजिए। जो भी आपका लॉगिन करेगा उसको एक आपके मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन जाएगा, नोटिफिकेशन आपको यस करेंगे तभी आप कोई लॉगिन कर पाएगा, नहीं तो कोई लॉगिन नहीं कर पाएगा। उसके बाद इसको डाउन कर लीजिए, नीचे आ जाइए, इसको डाउन करने के बाद यहाँ पे रिकवरी फोन, अगर आप पासवर्ड को कभी भूल जाएंगे तो आप किस मोबाइल नंबर की मदद से आप उस पासवर्ड को नया फिर से बना सकते हैं वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे दे देना है। अगर नहीं दिया रहेगा तो यहाँ पे आपको इंटर करके दे देना, अगर दिया हुआ तो फिर इस पर क्लिक करके उसको चेंज कर सकते हो। यहाँ पे ईमेल एड्रेस दूसरा दे सकते हैं, जब भी आप इसका भूल जाएंगे पासवर्ड तो उस ईमेल पे एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को डाल के अपना पासवर्ड फिर से बना सकते हो। यहाँ पे आप रिकवरी ऑप्शन को भी यहाँ पे आप अपने हिसाब से दे दीजिए। आज की इस वीडियो में आपने सीखा किस तरह ईमेल पे अकाउंट बनाते हैं, किस तरह
किसी को मेल भेजते हैं और किस तरह अपने अकाउंट का सेटिंग को चेंज कर सकते हैं, रिकवरी सेटिंग को, या अपने ईमेल के टू स्टेप वेरिफिकेशन लगवा सकते हैं, ये चीज़ आपने सीख लिया। तो उसके बाद मैंने आपको बता दूं, अगर यहाँ पे देख लिए बहुत सारे ऐसे मेल पड़े हो जिसकी हमको ज़रूरत नहीं है, कि जो भी सोशल मीडिया मेल वगैरह जो भी मेल है, यहाँ पे देखिए सोशल मीडिया भी मेल है हमारे पास है, तो ये मेल हमारे पास बहुत सारे मेल है, ठीक है, ये मेल का हमें कोई काम नहीं है। अब इस मेल को हम डिलीट करना चाहें तो जिस भी मेल को डिलीट करना चाहे उसको आपको इस तरह सेलेक्ट कर लेना होगा। अगर आप इस लिस्ट के सभी मेल को डिलीट करना चाहें, सभी मेल के डिलीट कर, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे सेलेक्ट भी देख पा रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे एक ऑल का ऑप्शन, ऑल सेलेक्ट कर लेंगे तो आपका पूरा ईमेल एक बार में ही सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ये डिलीट आइकन पे क्लिक कर देना होगा, तो देख पा रहे सारा मेल डिलीट हो चुका है। जिस तरह मैंने आपको सिस्टम पे बता रहा हूँ उसी तरह आप सेम अपने मोबाइल पर भी कर सकते हो। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपने मेल के बारे में पूरी डिटेल आप जान चुके हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। ऐसे ही यूजफुल वीडियो के साथ फिर मिलते हैं आपके साथ बहुत जल्द। किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए वो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए।